ट्रैक या कुछ इस तरह की चीज़ें, अब सब भूल जाते हो। कोई गॉसिप नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं करना है आपको, किसी से कोई जलेसी नहीं है, कुछ आगे बढ़ने की भी नहीं है, ना पीछे रुके हुए का डर है, बस आप प्रेजेंट हो। दिस इज अमेजिंग। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, शायद नहीं दिखेंगे क्योंकि सूरज भी इसी तरफ से निकल रहा है। तो सामने वाली रेंज के पास एक जगह है, बड़ी अच्छी ट्रैकिंग है, करेरी। और दो बार मैं, मतलब मूड बना, बारिश हो गई या कुछ और रीज़न हो गए, मैं लेट हो गया तो मैं जा नहीं पाया। और बड़ी तलब सी आई है पहाड़ पे जाने की। बारिश हुई है 3-4 दिन पहले, तो बर्फ़ भी है, लेकिन अभी मैं उसके बेस तक तो जाऊंगा जहां तक बाइक जाएगी, नौली तक। और नौली से आगे अगर बन पाया, मतलब पूछूंगा, और भी बड़े इश्यूज़ हैं, मैं रास्ते में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, 6:30 हुए हैं अभी तक, और बाइक लेके और सामान कुछ रेडी करके मैं वहाँ तक तो जाऊँगा। वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें, सुंदर व्यू, सब कुछ सुबह सुबह का अच्छा दिखेगा, लेकिन ट्रैक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो पता नहीं है, उसमें थोड़े इश्यूज़ हैं अभी भी। सो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करता और आपको आगे मिलूँगा। हमेशा की तरह लेट, पर आज का थोड़ा एडवेंचर हो सकता है, अगर ट्रैक पे या तो अकेला आऊँगा। हाँ, और सुंदर तो है जगह काफ़ी, पर मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे जाने का। तो दिस इज ऑल माई प्रिपरेशन, आई गेट रेडी इन लाइक 10 to 15 minutes मोर। This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Or two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face. ये सल्ली विलेज है। यहाँ से जो ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है नौली, वो कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सल्ली से लेकर नौली तक का जो ट्रैवल है डैट इज़ अमेजिंग, बिकॉज काफ़ी छोटा सा रोड है, पूरा जंगल जंगल है वहाँ पे, काफ़ी कम घर हैं और बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। आपको आसपास में खेत दिखेंगे, लोगों ने कुछ कुछ काम कर रखा है, पॉपुलेशन बहुत कम है इस एरिया में और काफ़ी सुंदर जगह है। ओके, लेट मी टेल यू द इश्यूज़ जिसके बारे में मैं सुबह बात कर रहा था। द थिंग इज़,
मैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए अकेले तो घर से निकल आया था, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी एज पर दैट कोविड की वजह से बाहर स्टेट के लोग कम आ रहे थे, तो पीपल वर सेइंग कि आपको ऊपर करेरी लेक पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं है और आपको खाने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम विज़िट था, तो मुझे थोड़ा डर ये भी था कि कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊँ। तो मैं नौली तक तो आ रहा था, बिकॉज़ देखते हैं अगर कुछ यहाँ पे लोकल्स को पूछूंगा कि सुबह कोई ट्रैकिंग पे निकला है तो मैं भी निकल जाऊंगा। बट यू नो आई एम सो लकी, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से ट्रैक शुरू होना था, पूरा का पूरा एक ग्रुप पालमपुर का, वो लोग वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। अभी जा रहे हो भाई? ठीक है, मैं सोच रहा था अकेला ना हो तो उन्होंने बोला ऊपर की गाड़ियाँ गई हैं। ठीक है, सही है। तो आई केम टू नो कि वो लोग वहाँ पे टेंट तो लगाएंगे, तो आसपास चलो लोग हैं और बाकी फूड का देख लेंगे। ओ ब्यूटी ब्यूटी, वो नदी दिख रही है, उसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ गए। दिस इज़ माई प्लेस टू ईट समथिंग, एक मैगी के लिए बोला है और एक पानी की बोतल ली। ओहो ओहो ओहो, हाँ जी भाई, रात तो इतने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना ऊपर जाने होना? आधा हो गया कह रहे, बस क्या हुआ क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम है? खाना खा लिया, अब भोंकना शुरू? तो तुम अपना जीवन यापन कैसे चलाते हो बताओ, क्या करते हो जीवन यापन के लिए बताओ, हैं? वाह वाह करते हो, स्टिल दैट्स गुड, इंसान भी यही कर रहा है।
ओ हो ब्यूटी भाई ब्यूटी, गजब। अब लगा ना मतलब मजा आया आने का, है ना, एकदम प्यार है भाई, एक नंबर। ये वो फाइनल ब्यूटी जिसे देखने आए हम, पर गजब है यार, कोई कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता इसको। ओ मैन, जय शिव शंभो, ब्यूटीफुल, गजब, खतरनाक। ये आया ना भाई अब मजा, सुकून। जन्नत देखी है कभी धरती पे? ये है जन्नत। हाय हाय, क्रेजी। भाई लोग एक बार देख लो यार, यहाँ हेलो, ये है मेरे कंपेनियन है इस ट्रेल के, और बहुत सही बंदे हैं, ठीक है भाई। वो एक भाई अपने यहाँ पे गिर गए हैं, लग गई उनको, क्योंकि नीचे यार पत्थर हैं और ज़रा सा भी वैसा मतलब घुटने वुटने पे लगे तो या पाँव मुड़े तो आए हाय। और ये टेंट के बैग और अपने बैग और ये कैमरा, मुश्किल है भाई।